और उसके ऊपर एक सदरी पहन ली। इसके अलावा मैं कोई कपड़े पहन करके नहीं गया, सोचा कि अभी लौट आऊँगा। लेकिन फिर मुझे जो है वहाँ से कहा गया कि चलिए गाड़ी में बैठिए। गाड़ी में बैठा करके मुझे सीधे हज़रतगंज कोतवाली ले गए। हज़रतगंज कोतवाली में इंस्पेक्टर ने पूछताछ किया, बराबर राजीव यादव के बारे में पूछते रहे कि राजीव यादव हैं कहाँ और कहाँ रहते हैं। मैंने कहा मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि कहाँ रहते हैं, मैं उनका एक पता जानता हूँ कि वो आज़मगढ़ के रहने वाले हैं। जब कभी आते हैं तो मुझसे मिलते हैं, रिहाई मंच के वो महामंत्री। बराबर ये मैं कहता रहा, इंस्पेक्टर ने कहा इनको ले जा करके अंदर ऑफिस में बिठा दो। वहाँ जा करके बिठा ला। फिर उसके बाद सीओ हज़रतगंज आया, उसने मुझसे बात की, गाली देने लगा। जब तो मैंने कहा गालियाँ तो मत दीजिए। तब उसने जो है कहा मैं तुम्हारे घर भर को जेल में डाल दूँगा, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाल दूँगा, ज़िंदगी सड़ा दूँगा, दोजख बना दूँगा। ये सब धमकियाँ दे करके फिर मुझे ले जाकर बिठा दिया गया और मेरे साथ एक मुखबिर को बिठा दिया गया कि वो मुझसे पूछताछ करता रहे कि राजीव कहाँ हैं, राजीव यादव कहाँ। इतना पूछा उसने कि मैं आजिज़ आ गया। मैंने कहा भाई मुझसे बात मत करो, मुझे जितनी जानकारी है वो मैंने दे दिया है। इस तरह से ये सरकार रिहाई मंच, राजीव यादव, मोहम्मद शोएब और रिहाई मंच के तमाम कार्यकर्ताओं पर का दमन करना चाहती है, लेकिन रिहाई मंच के नौजवान, हमारे जैसे लोग इस सरकार के दमन से डरने वाले लोगों में नहीं हैं। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम बोलेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। आवाम के खिलाफ जो भी इनकी नीतियां होंगी उनके खिलाफ भी हम बोलते रहेंगे। NRC हो या CAA हो, इन सब के खिलाफ हम बोलते रहेंगे। बल्कि रिहाई मंच ने तो तय किया है कि अगर पूछा जाएगा, इनके से कोई सर्टिफिकेट मांगा जाएगा इस देश के रहने वाले हो या नहीं, तो हम लोग कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं हैं, चाहे हमें फिर दोबारा जेल में डाल दो। इन इतने मुश्किलात आजकल डाले गए हैं हमारे ऊपर कि हम तो एक बार इससे पहले जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस वक्त भी जेल में गए थे। उस वक्त के हालात आज से बेहतर थे। वो इमरजेंसी घोषित थी, डिक्लेयर करके लगाई गई थी, लेकिन इतने ऐसे बुरे हालात नहीं थे उस वक्त, इससे अच्छे हालात थे। हम लोग जब जेल में आए थे उस वक्त तो सबको एक साथ रखा गया था, सबको बी क्लास की सहूलियत दी गई थी, लेकिन इसमें क्रिमिनल के साथ हमें रखा गया और जितनी परेशानियां दी जा सकती थी वो परेशानियां देने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी हमारे ख्वाब हैं, हमारे अरमान हैं, हम उन अरमानों को, चाहे जितनी हमारे साथ ज़्यादती की जाए, उनको उनका कत्ल होते नहीं देख सकते। और इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को हम आज़ाद देखना चाहते हैं, आज़ाद रखना चाहते हैं, हम खुद भी आज़ाद रहना चाहते हैं, आज़ादी के साथ हम अपने ख्यालात का इजहार भी करना चाहते हैं। और इस पर कोई अगर रोक लगेगी तो हम उसके खिलाफ जेल में फिर आने को तैयार हैं। हम जेलों से नहीं डरते हैं, चाहे जो भी हमारे साथ ज्यादतियाँ की जाएं, उन ज्यादतियों को हम झेलेंगे, कैसे भी झेलेंगे, लेकिन इसके आवाम के साथ ज्यादती नहीं होने पाएगी। सर, विपक्ष के नाकारे पड़ने की वजह से विपक्ष के ऐसे आजकल ये हालात हैं कि विपक्ष को चाहिए, चाहे जो पार्टी हो, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, सभी पार्टियों के लोग खामोश हैं। उनकी खामोशी इस मुल्क को कहाँ ले जाएगी ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि उनको खामोश नहीं रहना चाहिए, उनको भी अपनी खामोशी तोड़ना चाहिए, आवाम के साथ उठ करके खड़ा होना चाहिए, अपनी आवाम की आवाज़ को और आगे बढ़ाना चाहिए उनको भी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके भी खिलाफ अपने जद्दोजहद करेंगे और ये जारी रहेगा हमारे जिंदगी। सर, आगे का स्टैंड क्या है? सर, आगे का स्टैंड है कि हमारे जो साथी इन मामलों में अभी जेल में हैं, उनको रिहाई मंच और रिहाई मंच के लोग, मैं खुद भी
पहले बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जिनका कोई नहीं होगा उसको भी बाहर लाने की कोशिश हमारी होगी। हम पहले उनको बाहर लाते हैं और फिर इस तहरीक को, इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। रुकने वाली तहरीक नहीं।